हाथ से हाथ कोई छूट गया। हो सकता है कि तुम्हारा बेटा अपने बाप के लिए तड़प रहा हो। क्या अपने बेटे को उसके बाप से मिला के तुम उसकी तड़प कम नहीं कर सकती? क्या मारिफ अली एक नजर अपने बेटे को देख भी नहीं सकता? हो सकता है कि इस एक नजर से उन दोनों के साथ साथ तुम्हारी तड़प भी कम हो जाए। अच्छा, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है? कैसे कोई नहीं लगता? कैसे? ये भी मैं बता देती हूँ, मोहब्बत मुझे, वफा मेरी, खून मेरा, कोक मेरी, बच्चा तुम्हारा। मैं अब्बू की तरह हो जाऊं, चाची जान के सामने हाथ फैलाए सर झुकाए खड़ा रहूं, उनकी हर बात मानूं, जैसे वो चाची जान के साथ बिहेव करते हैं मैं भी नूर के सामने उसी तरह खड़ा रहूं? नहीं अम्मी, अब ऐसा नहीं होगा। अम्मी क्या हो गया? नूर आरिफ, क्या हुआ आरिफ को? वो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ है? चौकट पे नहीं आ सकता, तुम अपनी गोद खाली होते ही मेरे गिरेबान तक आ गए। मेरा गिरेबान पकड़ो और मुझे मारो, जितना मारना है मारो, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। नहीं जानते? कैसे नहीं जानते? झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें पता है आरिफ का? तुम बताओगे आरिफ कहाँ है? बताओ कहाँ है वो, बोलो। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, तो खुद उसको एक नजर देखने के लिए तड़प रहा, इसलिए तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे घर आया था। और जब हमने मिलने नहीं दिया तो तुमने उसे अगवा कर लिया। ये सब क्या हो रहा है? वो क्या हो गया नूर की बेटे को? होना क्या है, जिसकी चीज थी ले गया। जिसकी चीज थी मतलब? मारुफ अली? हाँ। और नूर ने उसे ले जाने दिया? वो उसे पूछकर थोड़ी ले गया। तो फिर ये अगवा करके ले गया है क्या? हाँ, माँ बेटी गई है रोती धोती उसके पीछे। तो आप क्यों नहीं गई साथ? तुम्हारी चच्ची ने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए नहीं गई। खैर तुम टेंशन ना लो, भेजा मैंने उजैब को उनके पीछे। मैं अपने बेटे को अगवा क्यों करूंगा? और अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ तो वो यही कहीं होता। तुम मेरा पूरा घर देख चुकी हो नूर। देख तो मैं ये भी चुकी हूँ कि तुम्हारी बीवी भी नहीं। अब ये ना कहना कि तुमने सजल से शादी नहीं की है। मैंने सजल से शादी नहीं की। अरे तुमने जितने झूठ बोलने हैं बोल। मैं यहां से आरिफ को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। कहां है तुम्हारी बीवी? जरूर तुमने आरिफ को उसके साथ भिजवा दिया होगा यहां से। मैंने कहा ना, मेरी कोई बीवी नहीं है। तुम मुझे बस इतना बताओ कि आरिफ किधर है, कहाँ है मेरा बेटा? ये ऐसे नहीं मानेगा। और जैसे मैं इसे मनाऊंगा उस तरह इसके अच्छे भी मानेंगे। तमीज से बात करो, अब की बार मैं तुम्हारे घर पे नहीं खड़ा, ये जो कहोगे चुपचाप सुन लूंगा। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, चुपचाप कबूल करो कि बच्चा तुम्हारे पास है। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं, मैं नहीं जानता कि वो कहां। आप लोग मेरा यकीन करें नूर,
नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये ऐसे नहीं मानेगा उसे। अगर इसे बातों से मानना होता तो अब तक मान चुका होता। मुझे भी इसकी किसी बात का इत्तबार नहीं है उसे। कुछ भी करो मुझे मेरा बेटा चाहिए। जब इसने मेरी मोहब्बत का लिहाज नहीं किया तो मैं इसकी नफरत का लिहाज क्यों करूं? इंस्पेक्टर साहब पता गिरफ्तार करो इसे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये जैसे ही थाने पहुंचेगा सब कुछ उकल देगा। देख लड़के, तेरे लिए बेहतर यही है कि सच बोल दे, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। मैं अब भी वही कहूंगा कि मुझे नहीं पता। तुझे पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे वो बच्चा तुझसे ही बाजियाब कराना है, समझा? इसके धुलाई का बंदोबस्त करो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो खुद को, मुझे और तो और अपने बेटे को? तुम अपनी तकलीफ को देखो, मेरी तकलीफ पर दिखावा मत करो। ठीक है, तुम्हारी तकलीफ का दिखावा नहीं करती, लेकिन तुम तो मेरी तकलीफ का मदावा करो। बताओ मुझे कहां आ रहे हो तुम? अभी भी मुझसे यहाँ ये पूछने आई हो? अब मेरी जिंदगी में आरिफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। इम्पोर्टेंट मुझे नहीं संभाल सकी जिसकी सजा मैं अब तक काट रहा हूँ। मेरे बेटे को खो दिया, उसकी सजा भी मुझे मिल रही है। तुमने जितनी सजाएं मुझे देनी है नोट दे लो, लेकिन प्लीज इल्जाम मत लगाओ कि आरिफ मेरे पास। फिर कहाँ गया वो? ये तुम मुझे बताओगी कि कहाँ है आरिफ? अगर मुझे पता होता तो तुम यहाँ नहीं होते, ना मैं यहाँ होती, और ना ही मेरे बेटे की जिंदगी मुश्किल में होती। अगर मैं इन सलाखों के पीछे ना होता तो उसे कहीं से भी ढूंढ के ले आता, कहीं से। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,
पुलिस ने सुराग लगा लिया है कि इसने आरिफ को कहां छुपा के रखा है। कहां है मेरा बच्चा? अभी इतना पता नहीं चला, अभी सिर्फ ये पता चला है कि अगर आरिफ कहीं से मिलेगा तो इसी के पास से मिलेगा। और तुम यकीन रखो नू, जिस तरह ये लेके गया था उसे उसी तरह वापस लेके आएगा तुम्हारे पास। कितने झूठे हो तुम। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूं, जुल्म कर रही हूं तुम पर, लेकिन जुल्म तो तुम कर रहे हो मुझ पर, मेरे बेटे पर और खुद पर। नूर, छोड़ो उसे, इस घटिया आदमी के मुंह लगने की जरूरत नहीं तुम्हें, जो कुछ हुआ है सामने आ जाएगा। ये वरदा कौन है? वरदा? इस लड़के के मोबाइल में किसी वरदा नामी लड़की का नंबर है और उसी लड़की ने आपके बच्चे की तस्वीरें इसको भेजी, ये देख लें। तुम्हारे घर वालों की समझ नहीं आती। क्यों? मेरे घर वालों ने तुम्हें क्या कह दिया? उन्होंने क्या कहना है मुझे? और मैंने क्या बिगाड़ा उनका? मैं तो आरिफ की बात कर रहा हूँ। जब उसका दिल करता है तुम्हारे घर पे आके तमाशा करता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आरिफ मेरे घर वालों की दावत पे ही सब कुछ करने आता है। चाहे दावत पे ना करता हुआ, लेकिन एटलीस्ट उसे रोका तो जा सकता है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो अपना बेटा इतनी आसानी से तुम्हारी फैमिली के हवाले करेगा। तो मुझे ये सब बातें सुनाने के लिए जल्दी घर ले जाने की जिद कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इन तमाशों का हिस्सा बनो। तमाशा? मेरे भाई का बेटा अगवा हुआ है और तुम्हें ये सब तमाशा लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि बच्चा अगवा हुआ होगा। ये भी तो हो सकता है कि उसे उसका बाप साथ ले गया। ये लोग सच कह रहे हैं वरदा जी? हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि वरदा ने आरिफ अली को आरिफ की तस्वीरें क्यों भेजी, बल्कि मैंने वरदा को खुद भेजी थी ताकि वो आरिफ को आरिफ की तस्वीरें दिखा सके। क्या? तुम्हें पता था इसलिए तुम पुलिस को यहाँ नहीं लाई? तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे गेट की सजा वरदा या उसके घर वालों को मिले, इसलिए मैंने पुलिस को मना कर दिया आने से। और मैं खुद आना चाहती थी, खुद वरदा से पूछना चाहती थी कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है आरिफ के बारे में तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि आरिफ मुझे कुछ नहीं बता रहा। वरदा प्लीज बताओ आरिफ कहाँ पर है, तुम उसकी हालत जानती हो ना, उसके बगैर मैं पल नहीं गुजार पा रही हूँ। और मुझे मेरे बच्चे की कसम, वो इस वक्त मुझसे ज्यादा अजियत में होगा। प्लीज वरदा, तुम्हें अगर पता आरिफ का है तो प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है प्लीज। नूर प्लीज, मैं सच में नहीं जानती कि वो कहाँ है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों ना बताती। मुझे पहले पता होता कि आरिफ ये सब कुछ करेगा तो मैं कभी भी आरिफ की तस्वीरें ना भेजती उसे। और तुम मेरे सामने अपने हाथ क्यों छोड़ रही हो? हाथ तो मुझे तुम्हारे सामने छोड़ने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए तुमसे, अनजाने में ही सही, लेकिन मैं ही तुम्हारी कसूरवार हूं। हाँ वो तो तुम हो, ना सिर्फ नूर की बल्कि मेरी, इस घर की और अपने शौहर की भी कसूरवार। इस कसूर की माफी तो तुम्हें नूर से मिल जाएगी, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना।
वार्ता, तुम सच में कुछ नहीं जानती? नहीं। चलो नूर। भाई आप घर से पुलिस स्टेशन के लिए नहीं निकले थे? पुलिस स्टेशन से ही आ रहे। तो आप यहाँ क्यों आ गए? जाओ जाकर अपनी सास से पूछ लो। चलो नूर। इन्हें क्या हुआ? ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ होगा जरूर वरदा की वजह से ही हुआ होगा। मेरे बेटे पर और खुद पर आपने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि नूर और उसैब भाई क्यों आए थे। उन लोगों ने तुम्हें नहीं बताया? अगर बताया होता तो आपसे क्यों पूछते? आप प्लीज बताइए, उज़ैब यहाँ क्यों आया था? असल में वो नूर के बेटे की गुमशुदगी में वरदा भी इन्वॉल्व थी। देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि ये वरदा ने ही कुछ ना कुछ किया है। वरदा मामा? ऐसा कैसे हो सकता है मामा? वो ये सब में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? असल में उसने मारिफ अली को उस बच्चे की तस्वीर भेजी थी। इसी तरह से वरदा का नाम भी मारिफ अली के साथ पुलिस की पकड़ में आ गया। तो शुक्र है कि नूर ने अकलमंदी दिखाई, वरना मारिफ अली के साथ साथ वरदा भी पुलिस स्टेशन में होती और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। रुको, कहाँ जा रहे हो? आप जानती हैं, फिर क्यों पूछ रही हैं? इसीलिए मना कर रही हूँ, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं इस वक्त, बाद में बात कर लेना उससे। तो क्या चाहती हैं? मैं यहाँ खड़ा रहूँ, पुलिस के आने का वेट करूँ? नहीं मामा, मुझसे नहीं होगा ये। जैसे भी हो आज की रात गुजारो, कल देखते हैं कि क्या करना है। इसमें मुश्किल क्या है? 9-10 महीने का बच्चा नहीं संभाला जाता तुम लोगों से। तुम उसकी फिक्र मत करो, जो कहा है बस वो करो। मैंने कहा ना, चाहे कुछ भी हो जाए आज रात उस बच्चे को तुम लोग ही संभालोगे। कल देखेंगे क्या करना है। डॉक्टर फैजान बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। जी। मुझे तो लगा था जैसे आपको अपने बच्चे की बड़ी फिक्र होगी, लेकिन अफसोस हुआ, आपको अगर बच्चे की फिक्र होती तो आप इस वक्त घर पे ना होती बल्कि हॉस्पिटल में अपने बच्चे के साथ होती। क्या मतलब? आपकी बच्चे को बड़ी क्रिटिकल हालत में मेरे पास लाया गया, और दुख की बात तो यह है कि आपने उसको ऐसी हालत में मुलाजमीन के साथ भेजा, खुद आना तक गवारा नहीं किया। अरे बाप के पास है। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आरिफ है कैसा? आईसीयू में है, उसकी हालत ठीक नहीं,
बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाएं। मैं आ रही हूँ। अम्मी, अम्मी। नूर, क्या हुआ बेटा? अम्मी, मारे। क्या हुआ? कुछ कुछ पता चला क्या? हॉस्पिटल में सो। क्या? जी। अभी डॉक्टर का फोन आया तो वो कह रहे थे कि कुछ लोग आए उसे लेकर, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं। बेटा तुम गाड़ी में बैठो, बस में आई जाओ, बैठो। अस्पताल में क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है कि किसी और अस्पताल में ले जाते उस बच्चे को? एक ही अस्पताल है इस शहर में, फौरन निकलो वहां से। अगर किसी ने तुम लोगों को देख लिया या कुछ पूछ लिया तो खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। निकलो वहां से। आईसीयू में है। मैं मिल सकती हूँ उससे? नहीं अभी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने अपने बच्चे को ऐसी हालत में किसी और के हाथों कैसे भेज दिया। आपको पता है अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, आरिफ को यहाँ लेकर कौन आया था? अच्छा, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता कि आपने अपने बच्चे को किसके साथ भेज दिया? तो आप लोगों कोई दुआ ही काम आ गई जो वो लोग उसे इसी हॉस्पिटल में ले आए और मैंने उसे देख के पहचान लिया। लेकिन डॉक्टर साहब, वो लोग हैं कौन जो उसे लेकर आए? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थे, बच्चे की हालत खतरे में डाल के अपनी जान बचा के निकल गए। अगर मुझे पता होता इन सब बातों का तो मैं उन्हें जाने नहीं देता। डॉक्टर साहब, आरिफ अब कैसा है? वेंटिलेटर पे है, उसकी सांसें ऑक्सीजन पे चल रही है। आप लोग दुआ कीजिएगा। घर में इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने ये सोचा कि जब सब लोग बच्चे को ढूंढने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और फिर आप दूसरे शहर में थे, आपको बताकर परेशान नहीं करना चाह रही थी। अरे कौन सा दूसरा शहर, ये हैदराबाद है, मैं आ सकता था। अब आप आ गए, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, फिर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उज़ैर कहाँ? वो इशरत और नूर के पीछे हॉस्पिटल गया है। हॉस्पिटल क्यों? आरिफ मिल गया है वो हॉस्पिटल में, इसलिए सब लोग वहां गए। अगर सब लोग वहां गए तो तुम क्यों नहीं गई? मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी इसलिए नहीं गई। साइमा, हमें अभी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, और ना इशरत क्या सोचेगी कि जब भी उस पर कोई मुश्किल घड़ी आती ना भाई साहब साथ होते ना भाभी साथ होती। आओ बेटे, हौसला रखो, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं ना, आरिफ ठीक हो जाएगा, यकीन रखो बस। अगर आरिफ को कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आरिफ को। कि वक्त गुस्सा करने का नहीं, दुआ करने का। दुआ करो कि तुम्हें ऐसा कुछ करना ही ना पड़े। आपका
सामना हुआ था उन लोगों से जो आरिफ को छोड़ के गए? तुम्हारा क्या ख्याल है, आरिफ को अगवा करके इस हाल में अस्पताल पहुंचा के वो हमारा इंतजार करेंगे? हमारे आने से पहले जा चुके थे, भाग गए डरपोक। अच्छा हुआ मेरे सामने नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, असल मुजरिम तो हमारे कब्जे में ही है ना, उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्या करूं? अगवा का केस उस पर पहले ही हो चुका है, थाने में है, अजियत में। अगर आरिफ को कुछ हुआ तो मैं उस पर कत्ल का केस भी करवाऊंगा, फांसी पे चढ़वाऊंगा उसे। अच्छी बात नहीं कर सकते तो बात नहीं करो। ये कौन सा तरीका है बात करने का? जगह और मौका ही देख लेता इंसान। मेरे बेटे के मरने की बात कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं जगह और मौका देखूं? जो भी हो, मारिफ अली के साथ क्या करना है वो उसे जाने और उसका काम जाने। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस दुआ करो कि आरिफ ठीक हो जाए। नहीं पड़ती, वो सब कुछ माफ करने के तैयार हूँ जो जो उसने मेरे साथ किया, लेकिन जो कुछ उसने मेरे बेटे के साथ किया मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मुबारक हो, बच्चे की जान अब खतरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र है। मैं मिल सकती हूँ उसे? नहीं अभी नहीं, आपको मजीद 2-3 घंटे और इंतजार करना होगा। शुक्रिया बात बहुत। एक्सक्यूज मी, बच्चे की खबर मिली है। क्या मिल गया? खबर मिली मतलब बच्चा भी मिल गया। कहां से मिला? हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से मतलब? मतलब तो तू समझाएगा और साथ साथ ये भी बताएगा कि उस बच्चे के अगवा में और कौन कौन था तेरे साथ। क्या अजीब बात कर रहे हैं, अब जब मैंने कोई अगवा किया ही नहीं है तो फिर कौन होगा मेरे साथ? मत बता तू, हम बच्चे से पूछ लेते हैं। बच्चे से तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन वो छोटा सा बच्चा हमें बताएगा क्या? इसीलिए बताना तो तुझे ही पड़ेगा। कल सुबह तक का टाइम है तेरे पास, अच्छी तरह सोच ले कि क्या बताना है, समझा? परेशानी देकर बड़ी परेशानी से तुम्हें बचा लिया। ये इशर कहाँ है? वो नीचे ही है, मेरे से ले रही है। अच्छा तो ठीक है, हम भी चलते हैं नीचे। अब लगता है आप लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जी अच्छी बात है, लेकिन जाते जाते जरा ये भी तो बताते जाइए कि उस हीरो का क्या करना है। हीरो?
कौन सा हीरो? ये मारिफ अली की बात कर रहे हैं। उसने अपना काम किया, आरिफ को अगवा किया, हमने अपना काम किया, उसे गिरफ्तार करवा दिया। अब आप भी अपना कानूनी काम कीजिए और मारिफ अली के साथ वही कीजिए जो आपको कानूनी तौर पे एक अगवाकार के साथ करना चाहिए। देखिए कहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि बच्चे को मारिफ अली ने ही अगवा किया था। ये भी तो साबित नहीं हुआ कि मारिफ अली ने इस बच्चे को अगवा नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब आप उसे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को उसने अगवा नहीं किया। नूर ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? सर आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। आइए मेरे साथ आइए। नूर बेटा, ये तुमने अभी क्या कहा कि इस बच्चे को मारिफ अली ने अगवा नहीं किया? तो फिर किसने अगवा किया? आपके बेटे उज़ैब ने। उज़ैब? मैं भी इसी तरह हैरान थी जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों हो तुम यहाँ? जिसने ये बताया कि मैं यहाँ हूँ उससे पूरी खबर नहीं मिली क्या? मिली है, मगर खबर देने वाले की खबर पे मुझे एतबार नहीं है। क्या वाकई वो तुम्हारा बेटा? हाँ वो मेरा बेटा है। तो क्या तुमने अपने ही बेटे को अगवा? मेरा मतलब है कि नूर का बेटा तुम्हारे पास है। तो मुझसे यहाँ ये पूछने आई? आई तो मैं यहाँ तुम्हारी जमानत के लिए हूँ। जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुम्हारी जमानत की बात कर रही हूँ, अपनी मोहब्बत की नहीं कि जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं। अब वो अलग बात है कि कानून मोहब्बत करने वालों की जमानत कबूल करता है या नहीं। बस जिसके आसरे पे तुम यहाँ हो ना, कि उसने तुम्हें उस पार पहुंचाया है सलाखों को तो बाहर भी वही निकालेगी, तो भूल जाओ क्योंकि अब वो नहीं आने वाली। मारे मुझे किसी के आने का इंतजार नहीं है। मुझे इंतजार है उस वक्त का जब मैं हर उस इंसान को तकलीफ पहुंचाऊंगा जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। जिसकी मोहब्बत में तुम यहां तक पहुंच गए उसकी वजह से मुझे तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, तुमसे दूर रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तकलीफ में इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैं यहां करने आई हूं मुझे करने दो, यहां से बाहर निकल के जो दिन में आए वो कर ले। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। अब इससे कोई पूछेगा कि ये अपने बेटे का अगवा का इल्जाम उज़ैब पे क्यों लगा रही है? पूछने की क्या बात है अम्मी, बात साफ जाहिर है, मारिफ अली की करतूत छुपाने के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है। मैं किसी के करतूत नहीं छुपा रही, बल्कि
कि मैं वो बता रही हूँ जो तुमने किया है मेरे साथ। मेरा बेटा तुम्हारे बेटे की फिक्र में कल से हलकान हुआ फिर रहा है, ऊपर से तेरी बकवास भी सुने। ये अगर ये इतना बुरा होता तो पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल के चक्कर ना काटता। जब आप दूसरे के गाल पे थप्पड़ मारते हैं ना तो दर्द अपने हाथ पर भी होता है। हुसैन मुझे जलील करेगा तो खुद भी सुकून से बैठ पाएगा क्या? तुम सीधे तरीके से बता क्यों नहीं देती कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब इसने किया है? बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे ठीक पूछ रही, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे बेटे का अगवा उसैब ने किया? हाथ से हाथ कोई छूट गया।